हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोगा प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले 24 अगस्त से वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद यह साउथ अफ्रीका का पहला T20 मैच होगा। टीम यहां पे एक नई शुरुआत भी करना चाहेगी। वहीं अगर दूसरी ओर बात करेंगे, जो कि वेस्ट इंडीज भी एक न्यू यंग टीम के साथ मैदान में उतर रही है। तो चलिए बात करते हैं सीरीज के पहले T20 मुकाबले के बारे में, जो कि यह मैच खेला जाएगा 24 अगस्त को वेस्ट इंडीज के बीएन लारा स्टेडियम में। भारतीय समय अनुसार यह मैच रात के 12:30 पर शुरू होगा। तो दोस्तों, वीडियो का आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनके रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पर मैच के दिन में लगभग मौसम थोड़ी सी नमी रहेगी, बारिश की भी संभावना है। ह्यूमिडिटी 76% रहेगा और टेम्परेचर 26°C रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे त्रिनिदाद के बीएन लारा स्टेडियम के पिच फास्ट बॉलर के लिए फेमस है। यह एक लो स्कोरिंग पिच है, यहाँ स्विंग बॉलर को हेल्प मिलता है, उन्हें विकेट भी ज़्यादा मिलता है। स्पिनर को यहाँ पे ज़्यादा हेल्प नहीं है। रिकॉर्ड की भी देखें तो पेसर को यहाँ पे ज़्यादा विकेट मिलता है। बैटर्स को स्टार्टिंग ओवर में थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। अब अगर बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देख लेते हैं, जो कि बैटिंग फॉर्स का यहाँ पे 78% जीतने का चांस है, तो बॉलिंग फॉर्स का यहाँ पे 22% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं इनके अवे स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग अवे स्कोर 128 है, वहीं पर सेकेंड इनिंग अवे स्कोर 112 है। तो दोस्तों, इससे के साथ अगर बढ़ते हैं दोनों टीमों का हिट रेट भी देख लेते हैं। लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग जहाँ पे वेस्ट इंडीज 6 मैच जीत के आए, तो वहीं पर साउथ अफ्रीका 4 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी वेस्ट इंडीज़ का, शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद वेस्ट इंडीज़ वापसी करना चाहिए। रॉबिन पॉल टीम के कैप्टन है। अगले T20 विश्व कप में अब तक काफ़ी समय है, लेकिन वेस्ट इंडीज ने इस टीम के नए खिलाड़ियों को मौका देने के बजाय ओल्ड और पहले से टीम कम एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को शामिल करने का फैसला किया। उनकी 15 सदस्यीय टीम में केवल एक जो कि एलिक अनाथिया और बॉलर मैथ्यू फोर्ड ही अनएक्सपीरियंस है, क्योंकि दोनों ने मिलकर केवल 3 T20 मैच ही खेले हैं, जहाँ पे आपको टीम में आंद्रे रसल, जेसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है। लेकिन ओविन मैकॉय और रोमारियो सेफेट जैसे प्लेयर होने से फास्ट बॉलिंग की कमी नहीं होगी। बैटिंग में बात करेंगे जो कि निकोलस पुरान शानदार फॉर्म में भी देख रहे हैं, जहाँ पे आपको जॉनसन चार्ली हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड भी रहा, जहाँ पे शिवन एटमार जो लंबे समय से टीम में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको एक और मौका मिलना चाहिए। वहीं पर अकील हुसैन टीम के मेन स्पिनर है। अब बात करते हुए वेस्ट इंडीज का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि जॉनसन चार्ल्स है, एलिथनाज है, सिमरन हेटमायर, निकोलस पुरन है, रॉबिन पॉवेल है, रोस्टन चेस है, सैफरन रदरफोर्ड है, रोमारियो सैफर है, मैथ्यू फोर्ड है, ओवेट मैकोय, अकील हुसैन है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि निकोलस पुरन है, जॉनसन चार्ली है, रॉबिन पॉवेल है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी साउथ अफ्रीका का, शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। इस T20 सीरीज के दौरान कई बड़े नामों को रेट दिया गया, इसलिए दक्षिण अफ्रीका कुछ यंग प्लेयर के लिए इस मुकाबले में इम्प्रेस करने के नए मौके होंगे। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के खिलाफ खेले गए प्लेइंग 11 केवल कप्तान एडम माकरम, रिजा हैंड्रिक्स और टिस्टन स्टब्स को इस सीरीज के लिए टीम में जगह मिली है, जहाँ प्रियान रिकल्टन टीम के विकेट कीपर है। वहीं पर क्वेना मकाका और पहली बार साउथ अफ्रीका के सीनियर टीम में जगह मिली है। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर आपको सुर्खियाँ भी लाकर दे सकती है, जब उन्हें 2024 अंडर-19 विश्व कप के दौरान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में दिया गया था। बैट से याद आशीवन दुसैन जो कि फॉर्म में दिख रहे हैं, और जहां पे जेसन स्मिथ मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। बॉलिंग में आपको ओटनी बैटमैन और लुंगी नगेटी वापसी कर रहे हैं। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि एडम माकरम, रिजा हैंड्रिक्स है, राशिवन दुसैन है, रियान रिकल्टन है, टिस्टन स्टब्स है, जेसन स्मिथ है, वियान मुल्डर है, ओटनील बाटले हैं, लुंगी नगेटी है, बॉर्न 14 है और मफाका है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जहाँ पे वांडर दूसन है, एडम मकराम है, लुंगी नगेटी है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एग्जिट पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप में डेप्थ ऑफ प्लेयर कंडीशन को अच्छी तरह से जानते हैं। इस मैच को जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को कड़ी मेहनत करनी होगी। यह देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या हम जिस करीबी मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं उसमें से कौन सी टीम लीड लेती है। अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों टीम के स्क्वाड स्काउंट के देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे साउथ अफ्रीका आगे चल रही है, लेकिन होम कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे मैच में वेस्ट इंडीज़ हो सकता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। Yeah!